हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा चंद्रा और आपका मम्मीज डिलीशियस डिशेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज ब्राउनीज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। एक कप मैंने मैदा लिया है, इसी कप से मेजरमेंट लिया है मैंने, और 4 चम्मच लिया है मैंने कोको पाउडर, 75 ग्राम लिया है मैंने बटर, ये सॉल्टेड है ये चलेगा उसमें भी, 50 ग्राम लिया है मैंने अखरोट, और 1/2 कप लिया है मैंने दूध, दूध भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, और 1/4 कप चीनी लिया है मैंने, पीसी हुई चीनी है बारीक, और 1/2 चम्मच आधा यानी 1/2 टी स्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं लेना, और वैलिना एसेंस है, और डेरी मिल्क की चॉकलेट है, हमें 50 ग्राम लेनी है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और बटर लेंगे, बटर की जगह आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से फेटेंगे आराम से, जिससे कि क्रीमी सा हो जाएगा। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और इसको जब तक फेंटना है जब तक ये क्रीम सा ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, कैसा क्रीमी सा हो गया, ये देखिए वाइट सा हो गया इसका। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इसे, इसमें कोको पाउडर मिलाएंगे, 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना कोको पाउडर, इसमें 1/2 स्पून वो डालेंगे बेकिंग पाउडर, इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे, हाफ टी स्पून, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, दूध की जगह आप दही भी डाल सकते हैं। अगर हमें दूध की और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा 1-2 चम्मच तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसका ब्राउनी का जो बैटर है ये थोड़ा सा थिक होता है, पतला बैटर नहीं होता जैसे केक की तरह होता है। मैंने कोको पाउडर छान लिया था और छान के ही डालना है। हमारा जो ये 1/2 कप दूध था ये सारा लग जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिलाने हैं जिससे कि इसकी गुठलियां ना रहें। ये देखिए ऐसा होना चाहिए बैटर इसका, इसे ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, बिल्कुल चिकना हो गया बैटर। अब हम इसमें अखरोट डालेंगे, अखरोट हम सारे नहीं डालेंगे, थोड़े गार्निशिंग के लिए रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब इसको मिला लेंगे, इसको केक भी बोल सकते हैं, ब्राउनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये केक की तरह ही बनता है ये।
बस इसमें अखरोट मिक्स कर दिया जाता है। आप जैसे मैंने कोको पाउडर डाला है, आप इसमें चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, जिससे कि हर कोई बनाना सीख ले। अब हमारा ये हो गया, अब हम इसमें माउल्ड में डालेंगे, ब्रेड माउल्ड में। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, नीचे से भी, और इसके प्लेन पेपर से मैंने वो ऑयल ग्रीस कर लिया है इसको। अब हम चॉकलेट काटेंगे। हमें 50 ग्राम ही काटनी है इसमें से। इसको काट लेंगे, इसको सारे ऐसे काट लेंगे, हाथ से भी काट लेंगे ऐसे। देखिए हमारी सारी कट गई चॉकलेट। आप चॉपिंग बोर्ड पे भी काट सकते हो, किसी से कैसे भी काट सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। अब हम इसमें सारी चॉकलेट डाल देंगे, अखरोट हमने पहले डाल ही दिया। अब हम इसको मिलाएंगे। ये मिल गया है, अब हम इसमें माउल्ड में डालेंगे इसे। अब हमने इसमें डाल दिया है इसमें। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। इसको टैप भी कर दिया हमने, जिससे एयर बबल्स निकल जाएंगे। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे अखरोट डाल के। अब हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। हम भी 20 मिनट में इसे चेक करेंगे कि जिससे कि बना है कि नहीं बना। आप इसे गैस पे भी बना सकते हो, कढ़ाई में, उसमें 35 से 40 मिनट लगेंगे बनाने के लिए, और उसमें भी आपको 20 मिनट में चेक करना पड़ेगा, फिर 5 मिनट में चेक करना पड़ेगा, जिससे कि जल भी ना जाए और अच्छा सा बेक भी हो जाए। चलिए अब हम माइक्रोवेव में इसे बेक करते हैं, फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये बन गया है, पूरा 30 मिनट का समय लगा है इसे बनने में। अब हम इसे चाकू से इसे थोड़ा सा किनारों को हटा लेंगे। अब हम इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बनी है। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट में काट के दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। अब थोड़ा सा हमारा ठंडा हो गया, अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बनी है, और इसका स्वाद टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कैसी रेसिपी चाहिए, कौन सी रेसिपी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। आपको मेरी बनी हुई रेसिपी कैसी लगी,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू।